नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की तरफ। पिछले 24 घंटे में कोरोना से थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख के नीचे आया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 3,66,161 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 3,754 लोगों को इस दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का असर अब दिखने लगा है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 12,651 मामले सामने आए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा अभी 300 के पार बना हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोवैक्सीन का स्टॉक केवल एक दिन का बचा है, जबकि कोविशील्ड का स्टॉक 3 से 4 दिन चलेगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 21,331 नए मामले सामने आए हैं। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 29,709 है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2,25,271 है। हाल ही में DRDO द्वारा कोविड रोधी वैक्सीन विकसित की गई है, जिसके आपात इस्तेमाल के लिए DGCI ने मंजूरी दे दी है। अब ताजा जानकारी ये है कि इस दवा की कम से कम 10,000 डोज 12 मई तक बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। दिल्ली की मुगल काल की दो ऐतिहासिक मस्जिदों की शाही इमामों ने सोमवार को अलग अलग वीडियो जारी कर मुस्लिम समुदाय से कोरोना वायरस महामारी की वजह से आगामी ईद उल फित्र की नमाज घर में ही अदा करने की अपील की है। कोविड-19 महामारी के बीच माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर लाखों लोगों का जीवन बचाने वाली भारतीय रेलवे के करीब 1,00,000 कर्मचारी कोरोना के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं और इनमें से लगभग 2,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन और नए पार्टी प्रमुख के चुनाव को लेकर चर्चा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जून में प्रस्तावित चुनाव को कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल सोनिया गांधी ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाती रहेंगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोमवार को संसद के निचले सदन में अपना बहुमत साबित करने में असफल रहे। इसके साथ ही नेपाली संविधान के आधार पर उनके हाथ से पीएम पद चला गया है। भारतीय क्रिकेटरों द्वारा कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने का सिलसिला लगातार जारी है और अब इस लिस्ट में नया नाम भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का भी जुड़ गया है। उन्होंने सोमवार को वैक्सीन की पहली डोज लेते हुए एक फोटो शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके कोरोना वैक्सीन लेने की कोशिश करें और सुरक्षित रहें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।